नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ऑर्गेनिज्म जेनेटिक करेक्टर आर डिटरमाइंड बाई, कोई भी जीव के अनुवांशिक वर्ण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, मतलब जो जेनेटिक करेक्टर होते हैं वो कहां से ट्रांसफर होंगे। लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स को क्या बताया, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइजर या प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन मैन्युफैक्चरर, क्योंकि प्रोटीन बनने में मदद करते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को इसीलिए क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो द सेल के जेनेटिक करेक्टर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो किससे निर्धारित होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ऑफ द सेल को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल या सीपीयू ऑफ द सेल। सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही होता है और ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, सेंटर के अंदर होता है। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसके अंदर पाया